हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर गेट. हम लोगों को नॉर गेट से शुरू करना है. तो बिफोर वी प्रोसीड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर गेट, सबसे पहले नॉर गेट का सिंबल और उसका इक्वेशन क्या है वो देखते हैं. तो नॉर गेट में वी हैव गॉट सच काइंड ऑफ सिंबल. इट हैज गॉट टू इनपुट्स ए एंड बी एंड करेस्पॉन्डिंग आउटपुट कॉल्ड एज व्हाट वाई. एंड द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. अब जब आपको ये ऐसे कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट आते हैं, मतलब नैंड एज यूनिवर्सल एंड नॉट नॉर एज यूनिवर्सल, तो समझने का ये फुल टाइम पास क्वेश्चन है. मतलब अगर आपको सच में टाइम पास नहीं हो रहा है तो ये एक ऐसा मात्र क्वेश्चन है जहाँ पे आपका फुल टाइम पास हो जाए. मैं प्रूव करता हूँ कि टाइम पास कैसे होता है. देखो, कुछ भी सर्किट निकालो, कैसे भी निकालो, कुछ ना कुछ तो होता ही होता है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो आपके पास एक नॉर गेट है, उसका आपने दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया और एक ही इनपुट निकाला, मतलब ये ए है, तो आउटपुट में कैसा होगा आपका? वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट. क्यों ए प्लस ए? दोनों एक ही है ना. एंड हमने सुबह ही देखा था कि ए प्लस ए का वैल्यू कितना होता है? ए होता है. इट बिकम्स ए कॉम्प्लीमेंट. मतलब ये आपका कौन सा गेट है? नॉट गेट. देखो सिंपल हो गया. मतलब कुछ भी करो, कैसे भी करो, कुछ ना कुछ तो आंसर आता ही आता है. उसके बाद में मान लो एक और आपने एक नॉट गेट लिया, आपने और एक नॉट गेट लिया और इनका इनपुट आपने किसी को दे दिया और एक नॉट गेट को दे दिया, तो क्या होगा? चेक कीजिए, ए है, ये बी है. यहाँ पे होगा ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे होगा बी कॉम्प्लीमेंट. ऑफ कोर्स ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट. उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा आपके पास? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट. तो डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कीजिए यहाँ पे. सो डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई किया तो ए कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नथिंग बट ए बी हो जाए. मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? एंड गेट हो गया. अब मुझे एक बात पता है, सुबह ही हमने डिस्कस किया था, नैंड और एंड में क्या रिलेशनशिप है, कोई मुझे बता सकता है? एनीबॉडी फ्रॉम द क्राउड? वो बबल होता है ना एंड गेट में. बबल बबल मुझे इक्वेशन के फॉर्मेट में बताइए बेटा. इक्वेशन के फॉर्मेट में बार होता है उसमें. हाँ करेक्ट 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 करेक्ट. बार मतलब नॉट होता है, नॉट ऑपरेशन होता है. बराबर है, इट्स अ नॉट ऑपरेशन एक्चुअली. मतलब अगर इसी सर्किट को जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया है, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ए है, ये बी है. अगर आपने इसको एक आगे जाके नॉट गेट लगाया तो क्या होगा? यहां तक तो आपको पता है आउटपुट कितना है, ए बी. ये कौन सा गेट है? ये नॉट गेट है. तो ये कितना आपका हो गया? ए बी कॉम्प्लीमेंट हो गया. बराबर. अभी ये ए बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन सा गेट है? ये आपका नैंड गेट है. ओके, आपका ये नॉट हो गया, एंड हो गया, नैंड हो गया. अब क्या करते हैं, लेट अस गो विद दिस पॉइंट नाउ. एक ऐसा करके, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे कितना आ गया? वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल कॉम्प्लीमेंट. अब इस कॉम्प्लीमेंट को मैं एक नॉट ऑपरेशन लगाता, मतलब ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट द डबल कॉम्प्लीमेंट. डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सेम नंबर. मतलब y इज इक्वल टू कितना? a प्लस बी. ये कौन सा गेट हो गया? आपका और गेट हो गया. तो यही पे मैंने आपके चार गेट बना दिए. नॉट हो गया, एंड हो गया, नैंड हो गया एंड और हो गया. नेक्स्ट गेट देखते हैं. लेट अस से चार हो गए थे अपने, पांचवा लेटर से ये एक ऐसा ऑपरेशन है, ये और एक ऑपरेशन है. अगर आप देखोगे तो सुबह जो मैंने गेट्स किए थे उसी फॉर्मेट में मैं कर रहा हूं. यहाँ पे और एक गेट है, यहां से निकला, यहां से निकला, खजूर में अटका, यहां से आके यहाँ पे गए. अब ये कौन सा गेट हो सकता है? तो चेक कीजिए, ये ए है, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये है, ये आपका होगी कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे स्टार मार्क करता हूं, तो स्टार का मतलब कितना है? यहाँ पे, यहाँ पे कितना आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू ए डबल बार इंटू बी डबल बार, दैट इज इक्वल टू ए इंटू.
मतलब यहाँ पे मुझे ए बी मिला, यहाँ पे कितना मिलेगा चेक कीजिए। ये तो बाय डिफॉल्ट आपका बेसिक अनोर गेट है, ये होता है ए प्लस बी द होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसे फॉर्मेट में हो गया ये। आगे जाके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं हैश टैग मार्क करता हूँ, तो हैश टैग में क्या होगा, यहाँ पे एक इनपुट स्टार है, स्टार मतलब क्या है आपके पास है ए बी है, प्लस यहाँ पे दूसरा इनपुट क्या है ए प्लस बी बार है, और इसका क्या हो जाएगा होल बार हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट ऑपरेशन मतलब आपका नॉट ऑपरेशन, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ ए बी द होल बार इंटू ए प्लस बी डबल बार, ऐसे फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं उसको। दैट इज इक्वल टू, ओके, सो द फॉर्मेट ऑफ ए बार प्लस कितना बी बार द होल कॉमन इंटू ए प्लस बी डबल बार, मतलब सिंपल ए बी होता है। अब खेलते बैठो, दैट इज इक्वल टू ए इंटू ए बार इंटू ए इज व्हाट जीरो, ए बार इंटू बी इज व्हाट ए बार बी, प्लस बी बार इंटू ए इज व्हाट ए बी बार, एंड बी बार इंटू बी इज व्हाट जीरो। अल्टीमेटली आपका ऑप्शन कितना है ए बार बी प्लस ए बी बार, मतलब कौन सा गेट है XOR। वेरी गुड, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ XOR गेट। अभी XOR गेट को अगर मैं इन्वर्ट करता हूँ, सिंपल है, एकदम सिंपल है, XOR गेट को अगर मैं इन्वर्ट करता हूँ, ये देखो मैंने इन्वर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे ग्रीन पेन ए बार बी प्लस ए बी बार इसको इन्वर्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, विल गेट ए बार बी बार प्लस ए बी। तो ये ए बार बी बार प्लस ए बी ये कौन सा इक्वेशन है, एक्स नॉट। वेरी गुड, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स नॉट, दैट्स इट, ओके। सो दिस कंप्लीट द कंटेंट पार्ट, अभी आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी अरिथमेटिक। ओके, बाइनरी अरिथमेटिक, तो बाइनरी अरिथमेटिक में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एडिशन। तो एडिशन 2 बिट का होता है, एडिशन 3 बिट का भी होता है, तो कुछ रूल है वो पहले देखते हैं रूल क्या है करके। सो 2 बिट एडिशन, तो मान लो ए और बी दो नंबर है आपके पास, तो जब दो नंबर ऐड होते हैं हमको दो आउटपुट मिलते हैं, एक सम होता है और एक कैरी होता है। अगर दो इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। 4 कॉम्बिनेशंस कौन से वो चेक कीजिए, वो है 00, 01, 10 और 11, ठीक है। अब आता है पढ़ाओ, खेलते बैठने का, 0 प्लस 0 कितना होता है सम 0 कैरी 0, 0 प्लस 1 सम 1 कैरी 0, 1 प्लस 0 सम 1 कैरी 0 एंड 1 प्लस 1। अभी यहाँ पे ट्विस्ट है, डेसिमल में अगर आप 1 प्लस 1 करते हो डेसिमल में, तो वो 1 प्लस 1 कितना होता है, बाई डिफॉल्ट 2 होता है। 2 का अगर आप बाइनरी चेक करते हो तो उसको लिखने का तरीका कैसे होता है, 1 0 होता है, वेयर दिस 1 इज कॉल्ड एज कैरी एंड दिस 0 इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सम। तो जब मैं 1 प्लस 1 करता हूं तो अपना सम जो है वो 0 होता है और कैरी कितना होता है, 1 होता है। ये रूल है, बिकॉज 90% क्या होता है सर, 1 प्लस 1 तो 2 होता है, तो सर 1 प्लस 1 किया तो सम 1 होता है, ये कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं एग्जाम में भी। तो 1 प्लस 1 सम 0 कैरी 1 ये ऐसे ही होता है, क्यों होता है इसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको देखे रहता है, ओके। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ 2 बिट एडिशन। अभी हम लोग जाएंगे एडिशन के लिए, बेसिक एडिशन के लिए। इफ आई वॉन्ट टू एड, लेट अस से 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 ऐड करने मुझे। अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 और 7 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है। तो 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स मुझे कितने चाहिए, 3। वेरी गुड, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, 3 चाहिए।
मतलब पाई को मैं 101 ऐसा लिख सकता हूँ एंड 7 को मैं 111 ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैंने आपसे क्या कहा था, 1+1 कितना होता है 10, 1+1 व्हाट इज द सम 0, कैरी कितना है 1 होता है, वेरी गुड। अब यहाँ पे 1+0+1 मतलब इन शॉर्ट 1+1 कितना होता है 0, कैरी 1। अब याद रखिएगा बाइनरी में जब या डेसिमल में जब आप लोग 1 1 1 कर तो डेसिमल में वो कितना होता है 3 होता है। 3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 3 को हम लोग 1 1 लिखते हैं। तो ये 1 जो है ये आपका हो गया कैरी और ये जो 1 है ये आपका हो गया सम। मतलब 1+1+1 कितना हो गया 3 3, मतलब कितना हो गया 1 1। अब ये 1100 ये कौन सा नंबर है, तो बाय डिफॉल्ट ये आपका 12 इन टर्म्स ऑफ डेसिमल है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो 5+7 कितना होता है 12 इन डेसिमल, ये भी 12 इन डेसिमल, परफेक्ट सॉल्यूशन, एकदम परफेक्ट है। चलो एक और एक नंबर लेते हैं अनिरुद्ध, टेल मी योर फेवरेट 2 नंबर्स सिंगल डिजिट। 8 और 9। 8 और 9, लेट अस गो विथ 9+ कितना 8। मुझे बताइए 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम बिट्स मुझे कितने चाहिए, मिनिमम बिट्स 4, मतलब 1001 ये ऐसा, और 8 को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मिनिमम बिट चाहिए, तो 4, मतलब 1000। इनका एडिशन करो, 1+0 is 1, 0+0 is 0, 0+0 is 0, 1+1 is what 0, कैरी 1, कैरी 1 मतलब यहाँ पे कितना मिला मुझे 1, एकदम सिंपल हो गया। अब ये 1001 ये कितना हो गया 17, वेरी गुड, इट इज 17, परफेक्ट है 17 हो गया। यहाँ पे चेक करो 9+9 18 होता है, -1 मतलब 17, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। अभी हम लोग जाएंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सब्ट्रैक्शन का विद द हेल्प ऑफ 2-बिट सब्ट्रैक्टर। सो 2-बिट सब्ट्रैक्टर, अभी एक 2-बिट सब्ट्रैक्टर का मतलब क्या है, एक इनपुट है दूसरा इनपुट है, सब्ट्रैक्टर में होता है डिफरेंस एंड बोरो। ओके डन, ये हो गया 1 2 3 और 4। परफेक्ट है एकदम। तो दो इनपुट के लिए 0 0 0 1 1 0 1, ओके। यहां पे कैसे होगा वो ध्यान दीजिए, अभी सब्ट्रैक्शन करते वक्त मैं रीड कैसे कर रहा हूं ना, मेरे रीडिंग की तरफ ध्यान दीजिएगा, ये रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए माइनस बी करना है, 0 माइनस 0 डिफरेंस 0 बोरो 0, 1 माइनस 0 इज नॉट पॉसिबल, तो मैंने बोरो का 1 लिया। जब मैं बोरो 1 लेता हूं तो यहां पे आपका कितना होता है 1 हो जाता है। अब 1 0 ये बाइनरी में मतलब डेसिमल में कितना होता है 2 होता है। अगर आप 2-1 करते हो तो आंसर कितना होता है 1 होता है। ओके, उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट, 1-0 इज डिफरेंस 1 बोरो 0, 1-1 इज बाय डिफॉल्ट डिफरेंस 0 बोरो 0, ये कंसेप्ट अपना खत्म हो गया। अब एक काम कीजिए, कीर्ति आर यू देयर, हाँ क्वेश्चन पूछिए कि सर ये जो आपने यहाँ पे ये जो 2-बिट का सब्ट्रैक्शन का जो ट्रुथ टेबल बनाया है वो राइट है कि रॉन्ग है, कैसा चेक करने राइट है कि रॉन्ग है। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अभी अगर आप पिछला ट्रुथ टेबल चेक करते हो 2-बिट एडर का, तो उसका जो सम है, सम का टेबल चेक कीजिए, कॉलम 0110 मिलेगा, बराबर है। और
सब्ट्रैक्टर का भी जो डिफरेंस है वो चेक कीजिए, सेमी 0110। इसका मतलब ये है मैंने यहाँ पे जो कुछ भी किया है वो एकदम 100% बराबर है, ठीक है। ये शॉर्टकट टेक्निक है, कैसे वेरीफाई करना है उसको। एक प्रॉब्लम लेते हैं सब्ट्रैक्टर का, 5-4। 5-4 मतलब 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम बिट्स कितने चाहिए मुझे? 3। वेरी गुड। 5 मतलब कितना होगा? 101। 4 मतलब कितना है? 100। ये फॉर्मेट में होगा। इनका सब्ट्रैक्शन करो, 1-0। मैंने जो आपको ट्रुथ टेबल दिया है वो जरा देखिए, 1-0 कितना होता है? 1। 0-0 कितना हो गया? 0। एंड 1-1 कितना हो गया? फिर से 0। अब मुझे बताइए 001 ये कौन सा नंबर है रे? 1 है ना, 1 है बराबर है। 5-4 कितना होता है? 1 ही होता है। ओके, लेट अस टेक अ कॉन्सेप्ट ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, टूज कॉम्प्लीमेंट बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इजी पॉइंट है। मान लो मुझे 9 का टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो कितना होगा? प्रोसेस देखो, प्रोसेस 9 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, मतलब 1001 हो गया। अब इसका क्या करना पड़ेगा? वंस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि 0 जो भी है वो 1 करो और 1 जो भी है उसको 0 करो। क्यों करो? करो, रूल है। यहाँ पे कितना हो गया? 0110। और इसके बाद में इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करो, मतलब क्या करना पड़ता है हमको? +1 ऐड करना पड़ता है। मतलब 0110 इसमें मुझे क्या करना पड़ता है? +1 ऐड करना पड़ता है। तो +1 किए तो 1, 1, 1 and 0, ये आपका आंसर है। दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन 9 नंबर। मतलब एग्जाम में अगर आपको पूछा मतलब ये 9 का टूज कॉम्प्लीमेंट कितना है, तो 1001 इसका टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो आता है 0111, ऐसा आता है, ठीक है। अगर मान लो चलो ये नहीं समझा आपको, सर नहीं समझ रहे, क्या कर लो? कुछ शॉर्टकट बताओ, एक स्टेप में कर सकते हो, एक स्टेप में। ये कुछ नाटकबाजी करने की जरूरत भी नहीं, एक स्टेप में आंसर कर सकते हो आप लोग। वन स्टेप कैसा? देखो प्रूव करता हूं वन स्टेप का आंसर। मेरे पास नंबर कौन सा है? 1001 ये नंबर है। अब क्या करने का? हमेशा राइट में खड़े रहने का, और खड़े रह के राइट टू लेफ्ट चलते जाने का। जब आप राइट टू लेफ्ट चलते जाते हो तो पहले जीरो कितने भी आते हो, 10, 12, 30, 20, 40, 50 कितने भी आते हो, वो जीरो को ऐसे ही लिखने का, एज इट इज लिखने का। और उसके बाद में जब आपका पहला वन आता है तो पहले वन को एज इट इज लिखो, और उसके बाद में जो जीरो है उसको वन करो और जो वन है उसका जीरो करो। मतलब यहां से जब आप चलना शुरू करते हो, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पहला ही वन आता है, तो इस वन को एज इट इज लिखो, वन लिखा आपने। अब इस पहले वन के बाद जो भी जीरो है उसको वन करो, और जो भी वन है उसको कितना करो? जीरो करो। यस जी, आप मुझे कोई भी एक नंबर बताइए, 5-digit नंबर। 1111111, ये 5-digit नंबर है। तो पहले हम लोग ना पारंपरिक पद्धति से करते हैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो स्टेप नंबर वन, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करने का, मतलब जो वन है उसको जीरो, जो जीरो है वो वन करो, 0000, वेरी गुड, परफेक्ट। उसके बाद में क्या करने का? टूज कॉम्प्लीमेंट करने, मतलब प्लस वन करने, तो प्लस वन किया तो 1000, खत्म। ये अपने को आंसर मिल गया। अब मेरा ट्रिक अप्लाई करते हैं।
अपने पास नंबर क्या है 11111, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ से चलना शुरू करने का टुवर्ड्स द राइट साइड, सॉरी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो पहला वन आएगा तो एज इट इज दिखने का, उसके बाद में जो वन है उसको जीरो और जो जीरो है उनको वन, मतलब वन जीरो 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 जीरो, चेक करो ये आंसर सेम ही, एक स्टेप में हो गया आंसर, एक स्टेप में। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे आप इसका आंसर बताइए, जीरो जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन, आप मुझे इसका टूस कॉम्प्लीमेंट बताइए डायरेक्टली, जीरो वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो, स्टार्टिंग यहाँ से करना है और चलते जाना है। तो मैंने क्या कहा था कि जीरो अगर आते हैं तो उनको एज इट इज लिखो, मतलब ये जीरो ये जीरो, यहाँ पे पहला वन आ गया है तो पहले वन को एज इट इज लिखो। अभी इस पहले वन के बाद जो जीरो आएगा उसको वन करो, जो वन आएगा उसको जीरो करो, मतलब ये कितना हो गया वन, ये दोनों कितना हो गया जीरो जीरो, ये कितना हो गया वन, ये कितना हो गया जीरो, तो इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट ये रहा आपके सामने। एक और एग्जांपल चाहिए, चलो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो 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 जीरो, इसका मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट बताइए फटक से, वन जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो 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 जीरो, एक मिनट, वन जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो 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 जीरो, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। चलो वी स्टॉप यू फॉर टुडे।